Hello everyone, welcome to Crystal Commerce Classes, Learning That Influences You by Avneet Kaur. Class 11th Accountancy, Chapter Number 3, Accounting Principles. Topic: Accounting Concept, Conventions and Generally Accepted Accounting Principles. हम क्लास 7th अकाउंटेंसी में लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 2 अपना बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स कंप्लीट किया था, जहाँ पे हमने पढ़ा था कि कौन कौन सी न्यू टर्मिनोलॉजीज या कौन कौन सी बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो हमारी अकाउंटिंग में यूज होती है. आज हम पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल जिन बेसिस पे हमारी अकाउंटिंग होती है. ऐसे कौन से रूल्स है, प्रिंसिपल्स है, कन्वेंशन है, कंसेप्ट है जिसके बेसिस में हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं. आज हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या होता है, कन्वेंशन क्या होता है और गैप यानी कि जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होता है. नेक्स्ट क्लास से हम अकाउंटिंग कंसेप्ट कौन कौन से हैं, कन्वेंशन कितने हैं, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास से. आज हम सिर्फ इनका मीनिंग समझेंगे कि ये एक्चुअल में है क्या, ये कहना क्या चाहते हैं, इनकी इंपॉर्टेंस, इनकी नीड क्या है. अगर आप में से कोई मेरी वीडियो पहली बार देख रहा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलेगा. आप जो भी वीडियो मेरी देख रहे हैं ये अकॉर्डिंग टू अ स्टडी प्लान है जो कि ऑलरेडी मैं दे चुकी हूँ. आप वहाँ जाकर देख सकते हैं कि मैं कौन सी डे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ क्लास 11 स्टूडेंट्स को एंड क्लास 12 स्टूडेंट्स को. आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं @avneet.crystal करके, वहाँ मेरा इंस्टा पेज है क्रिस्टल कॉमर्स क्लासेस करके, जहाँ पे आपको बहुत सारी यूजफुल इंफॉर्मेशंस, न्यू टर्मिनोलॉजीज ऑन द डेली बेसिस सीखने को मिलेगी. साथ में काफ़ी क्विज क्वेश्चंस रहते हैं वहाँ पे, काफ़ी कुछ यूनिक चीज़ें हैं, काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग है जिससे आपकी नॉलेज को अपडेट होती रहेगी और आप अपने कंसेप्ट से, अपनी नॉलेज से, मतलब नॉलेज इज समथिंग जो कभी वेस्ट नहीं हो सकती. तो आपकी नॉलेज जितनी स्ट्रांग होगी, जितनी अच्छी होगी, इट्स गुड फॉर यू. अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस. अकाउंटिंग कंसेप्ट देखते हैं हम पहले क्या होता है. इट इम्प्लाइज आइडिया और नोशन. ये एक आइडिया या नोशन कहा जाता है. इट इज द बेसिक अजम्पशन और कंडीशन विच फॉर्म बेसिस फॉर अकाउंटेंसी. यहाँ पे हम कुछ अजम्पशंस और कंडीशंस हैं जिसकी बेसिस पे हम अकाउंटेंसी करते हैं. इट प्रोवाइड्स यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर एंड इंटीग्रल लॉजिक टू अकाउंटिंग प्रोसेस. एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर देता है हमारे अकाउंटिंग प्रोसेस को. अनलाइक फिजिकल साइंस, कंसेप्ट आर रिजल्ट ऑफ यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस. जैसे फिजिकल साइंस में हमारा जो भी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल होता है, बट अकाउंटिंग में ऐसा नहीं होता है. Accounting conventions. It denotes custom or tradition or a common way of doing something which accountant pursue in preparation of financial statement. ये वो tradition है, वो custom है, वो एक तरीका बताता है जिसे accountant use करके एक financial statement बनाता है. जो हम financial statement अपनी trading profit and loss account balance sheet prepare करते हैं वो accounting conventions के basis पे करते हैं, जो principles आगे हम पढ़ने वाले उनके basis. तो ये तरीका बताता है, common way of doing something जो एक accountant करता है उस financial statement को prepare करने के लिए. Next है accounting principles क्या है. These are the body of doctrine or set rules followed by accountant. ये वो set rules हैं जो एक accountant follow करता है. Explanation of current practice. Current में क्या practice हो रहा है. Example, why depreciation is charged. Principles हमें बताते हैं कि हम depreciation क्यों charge करते हैं. अब बात आती है यहाँ पे कि depreciation क्या होता है. मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, यहाँ पे भी आपको दे रही हूँ एक general सा, एक one line में आपको समझा रही हूँ. और depreciation का एक chapter भी हमने आगे पढ़ना है, एक चैप्टर है हमारा, उसमें हम डिटेल्स में पढ़ेंगे. डेप्रिसिएशन वो चीज़ होती है जिससे हमारी जो एसेट की वैल्यू ड्यू टू वियर एंड टियर की वजह से उसकी वैल्यू कम होती है, वो डेप्रिशिएट होती है उसकी वैल्यू. अगर मैं आज की डेट में कोई 50,000 का फ़ोन खरीद के ला रही हूँ तो आफ्टर वन मंथ उसकी प्राइस कम हो जाती है. क्या हो रहा है, डेप्रिशिएट हो रहा है. अब डेप्रिशिएट क्यों होता है, कैसे हम ये सब चीज़ें क्यों चार्ज होती हैं, ये सब हम पढ़ेंगे जब हम डेप्रिसिएशन में आएंगे. सेकेंड है गाइड इन सिलेक्शन ऑफ प्रोसीजर वेयर ऑल्टरनेटिव एग्जिस्ट. और हमें अकाउंटिंग प्रिंसिपल गाइड देता है कि हम कौन सा मेथड यूज करें, क्योंकि जो डेप्रिसिएशन है वो SLM यानी कि स्ट्रेट लाइन मेथड, WDV यानी कि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड, NUT मेथड, बहुत वेरियस मेथड्स हैं. तो हमें देखना पड़ता है हम कौन सा मेथड लगाएं, कैसी सिचुएशन में कौन सा मेथड ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए. तो ये सब हमें अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बताते हैं. Generally accepted accounting principles, GAAP. Accounting principles when accepted accountants all over the world are known as generally accepted accounting principles.
ये वो प्रिंसिपल्स हैं जो ऑल ओवर वर्ल्ड में एक्सेप्ट किए जाते हैं, इन्हें हम बोलते हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बिकेम गैप व्हेन इट सेटिस्फाइड द फॉलोइंग क्राइटेरिया। इन थ्री रीजंस की वजह से ये गैप सेटिस्फाई हुआ। पहला है यूजफुलनेस। द अकाउंटिंग प्रिंसिपल शुड इंक्रीज द यूजफुलनेस ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है वो इंक्रीज करता है जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की यूजफुलनेस, वो ज्यादा से ज्यादा मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन देता है। द अकाउंटिंग प्रिंसिपल शुड इंक्रीज द यूजफुलनेस ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बाय मेकिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मोर मीनिंगफुल। सेकेंड, ऑब्जेक्टिविटी। एन अकाउंटिंग प्रिंसिपल शुड रिलायबल एंड ट्रस्टवर्दी इन द सेंस ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शुड बी सपोर्टेड बाय फैक्ट्स एंड शुड नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल बायस। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब ये है कि जो भी हम प्रिंसिपल्स है फॉलो कर रहे हैं वो रिलायबल होने चाहिए, वो उस फैक्ट्स को सपोर्ट करे। जिस मगर अगर एप्रिसिएशन का मैं ट्रीटमेंट कर रही हूँ तो वो जो फैक्ट्स है वो सपोर्ट करने चाहिए उनको, जिससे पता चले कि ये इस रीजन से मैंने ये स्टेप लिया या ये वाला मेथड लगाया। पर्सनल बायस नहीं होनी चाहिए वहाँ पे। थर्ड है फिजिबिलिटी। एन अकाउंटिंग प्रिंसिपल शुड बी प्रैक्टिकल इन सेंस दैट इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड विदाउट एनी डिफिकल्टी। मतलब अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो भी प्रैक्टिकली जब हम आते हैं तो वो इस तरीके से इम्प्लीमेंट हो ताकि आपको डिफिकल्टी ना हो। फिजिबिलिटी होनी चाहिए, आपको इसलिए उस चीज़ों को प्रैक्टिकली कर सकें आप लोग। तो इन रीजंस की वजह से अकाउंटिंग प्रिंसिपल हमारे गैप को सेटिस्फाई करते हैं, और गैप वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं जो ऑल ओवर द वर्ल्ड हर एक अकाउंटेंट एक्सेप्ट करता है। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा कि अकाउंटिंग कंसेप्ट का क्या मतलब होता है, कन्वेंशंस, अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड गैप क्या होता है। अब हम नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे कौन कौन से अकाउंटिंग कन्वेंशंस हैं, कौन कौन से अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं जिसके बेसिस में हम पूरी अकाउंटिंग करते हैं, और उसके बाद फिर हमारा प्रैक्टिकल पोर्शन स्टार्ट होगा। जस्ट अ फ्रेंडली रिमाइंडर, नथिंग इज इम्पॉसिबल, द वर्ल्ड इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल, बिलीव इन योरसेल्फ। थैंक यू।